गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक इन द पार्ट थ्री एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस 1269 MJ चेन्नई सेंट्रल छपरा गंगा कावेरी एक्सप्रेस जर्नी। पार्ट वन में हमने चेन्नई सेंट्रल से विजयवाड़ा तक का सफ़र देखा था, पार्ट टू में हमने बल्हाशा से इटारसी तक का सफ़र देखा था, पार्ट थ्री में हम पिपरिया से छपरा तक का सफ़र देखेंगे। अभी हम पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं जो कि इटारसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पिपरिया मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा म्यूनसिपैलिटी है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का अराइवल टाइमिंग है 4:33, 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। सतपुरा टाइगर रिजर्व या सतपुरा नेशनल पार्क के लिए सबसे नियरेस्ट रेल हेड ये पिपरिया रेलवे स्टेशन ही है। यहाँ से तकरीबन 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है सतपुरा टाइगर रिजर्व का। ऑल्सो उसका नाम सतपुरा टाइगर रिजर्व है लेकिन उसमें ना टाइगर बहुत ही रेयरली दिखते हैं, मतलब आपको सारे जानवर दिख जाएंगे, लाइक आपको तेंदुए वगैरह ये सब तो दिख जाएंगे लेकिन टाइगर उसमें बहुत रेयरली दिखते हैं। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ना एक पचमढ़ी काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक हिल स्टेशन टाइप का है, अगर वहाँ भी आपको जाना है तो यहीं पर आप डिवोट करिए। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, तकरीबन 99 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। पिपरिया रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन 178 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेगी और सीधा जाके रुकेगी जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जबलपुर जंक्शन पे हमारा अराइवल टाइमिंग है शाम के 6:50 पे, तो जब तक हम जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तब तक अंधेरा भी हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ हाई स्पीड स्टेशन स्किप्स।
जबलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारा अराइवल हुआ है। और भाई अब यहाँ से ना ठंड लगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब हम ना साउथर्न इंडिया से हटकर, सेंट्रल इंडिया से हटकर आप नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जबलपुर ना एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि सिचुएटेड है हावड़ा मुंबई मेन लाइन पे। गंगा कावेरी एक्सप्रेस की जबलपुर में पहुंचने की टाइमिंग है शाम को 6:40, 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद यहाँ से ये ट्रेन 6:50 पर रवाना होती है। हालांकि यार इसके पास ना स्लैग बहुत है, अभी तकरीबन हमें ना 650-700 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर करना है, और इसके पास अभी भी तकरीबन 14 घंटे का समय है, जिसमें काफ़ी सेक्शन इसका अच्छे खासे लाइन पे है, और इसके हॉल्ट तो वैसे ही कम। रनिंग एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों के साथ अब तक शेयर करूँ ना, तकरीबन 26.5 घंटे हो गए इस ट्रेन में हमें ट्रैवल करते हुए। तो अभी ना अभी तक देखिए ट्रेन की क्लीननेस वगैरह ना वेल मेंटेन है, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, और वो इसलिए कि लीन सीज़न है तो अभी ज़्यादा लोग नहीं है, सीट भर सवारी है तो साफ सफाई भी ठीक है। हाँ बीच में टॉयलेट वगैरह चौक हो गए थे, लेकिन ऑनबोर्ड जो हाउसिंग स्टाफ थे, टॉयलेट क्लीनर वगैरह थे ना, उन सब ने आके उसे फटाफट साफ कर दिया। जबलपुर से निकलने के बाद ना हमारी ट्रेन कटनी रुकेगी, ट्रेन सतना रुकेगी, देन सीधे जाके प्रयागराज रुकती है, उसके बाद ट्रेन भदोई, वाराणसी जंक्शन, देन गाजीपुर सिटी, उसके बाद बलिया के बाद ये सीधा जाके छपरा रुकती है। तो काफ़ी कम हॉल्ट है एज एक्सपेक्टेड इस रूट के हिसाब से, ट्रेन काफ़ी बड़े बड़े स्टेशन को भी स्किप करेगी अभी रास्ते भर में। मुझे आज भी काफ़ी शौक लगता है यार कि गंगा कावेरी एक्सप्रेस के इतने कम हॉल्ट कैसे हैं, वरना आमतौर पर जो ट्रेनें भाई बिहार से खुले या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के साइड से खुले भाई, उनके तो हॉल्ट इतने भर भर के होते हैं ना, मतलब 100-100 किलोमीटर में 10-10 हॉल्ट होते हैं। यहाँ इसके मतलब पूरे एंड टू एंड में सिर्फ 21 हॉल्ट हैं, तो ये चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी है, और शायद यही कुछ फैक्टर्स ने इसको सबसे यूनिक और सबसे अच्छी ट्रेन बनाते हैं इस सेक्शन की। जबलपुर मध्य प्रदेश का ना वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है, और ये ना हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के लिए ना वन ऑफ द बिगेस्ट कैंटोनमेंट भी है। यहाँ पे ना कई सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, और तो और यहाँ का जो कैंटोनमेंट है ना वो ना इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट कैंटोनमेंट में आता है। जबलपुर एक ना काफ़ी खूबसूरत शहर है, और ये रेलवे स्टेशन भी ना मतलब बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको तकरीबन ऑल ओवर इंडिया जाने के लिए ट्रेनिंग मिल जाएगी, क्योंकि इतने इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बॉम्बे, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ के लिए तो मतलब आपको थोक में भर भर के ट्रेनें मिलेंगी। जबलपुर से मैंने वैसे काफ़ी सारी ट्रेन जर्नी करी है, काफ़ी सारी ट्रेन जर्नी से मैं इधर आया भी हूँ, और यहाँ से कुछ डेडिकेटेड ट्रेनें भी मैंने करी है, जैसे गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस जो कि वाया बुंदेलखंड होते हुए जाती है दिल्ली की तरफ। स्टेशन पे आपको रिटायरिंग रूम मिल जाएगा, प्रीपेड एसी वेटिंग हॉल मिल जाएगा, लाउंजेस मिल जाएंगे, बाहर जाएंगे तो रेल कोच रेस्टोरेंट मिल जाएगा, खाने पीने की आपको काफ़ी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। 7:34 पे हमारा जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया है। हाँ मैंने वापस प्रिंटर कार से फूड मंगवा लिया है, क्योंकि कल तो मैंने प्रिंटर कार में जो था उनकी कंप्लेंट कर दी थी फूड की, तो आज देखते हैं कुछ इंप्रूव करके मिला है कि नहीं मिला। तो यहाँ देखिए हमें एक्स्ट्रा रोटी मिली है एज अ कॉम्पनसेशन, सो इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। और पनीर का तो मैंने स्ट्रिक्टली नो कर दिया, क्योंकि भाई कल ही मेरे को सबसे ज़्यादा पनीर की सब्ज़ी ही गंदी लगी। यहाँ देखिए अंदर एक अचार है, यहाँ आलू की सब्ज़ी है, ये दाल है, दाल की आज क्वांटिटी भी मेरे को थोड़ी ज़्यादा लग रही है। जो रोटी है ना, रोटी मतलब देखिए पहले के मुकाबले में आपको दोनों वीडियो आप देखिए, 3 रोटी ये 3 रोटी वो, 6 रोटी टोटल आज आई है हमारे पास, और रोटी भी मतलब ठीक है, मतलब कल के जैसे पेपर तो नहीं है। सब्जी के साथ टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सब्जी आज अच्छी है, मसाला भी समझ आ रहा है, नमक भी समझ आ रहा है, और ढंग से पकी हुई भी समझ आ रही है। चावल डाल देखते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा ये ओपिनियन है आपके साथ कि देखिए कल का अगर खाना 10 out of 2 था ना, तो आज का खाना 10 out of 7 है, मतलब परफेक्ट तो कोई चीज़ हो नहीं सकती इंडियन रेलवे में, बट हाँ काफ़ी इंप्रूव हुआ है कंप्लेंट करने के बाद। तो अगर देखिए आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत हो ना, तुरंत कंप्लेंट मारिए, आपको देखो इमीडिएटली सोल्यूशन मिलेगा, चुप बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। चलिए तो मैं इसे फिनिश करता हूँ, अभी हमारी ट्रेन कुछ ही देर में कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली है। Nine,
कटनी जंक्शन मध्य प्रदेश के मुरवाड़ा सिटी को सर्व करता है जो कि कटनी नदी के किनारे पे है, इसलिए ना इस शहर को कटनी भी कहा जाता है। सभी रेलवे स्टेशन के नाम मोस्टली कटनी से स्टार्ट है, चाहे वो कटनी जंक्शन हो, चाहे कटनी साउथ हो या कटनी मुरवाड़ा। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 45 मिनट की देरी से हमारे यहाँ पे अराइवल हुआ है। कटनी जंक्शन है एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टोटल 5 अलग अलग डायरेक्शन के लिए ट्रेन चली गई है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है बिलासपुर की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है बीना की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे सिंगरौली की तरफ, एक लाइन जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं यानी आती है जबलपुर की तरफ से, और एक लाइन जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं यानी आगे चल जाएगी सतना के रास्ते प्रयागराज की तरफ। कटनी जंक्शन में हमारी ट्रेन का ऑफिशियल अराइवल टाइम है 8:13, 2 मिनट का इसमें यहाँ पे हॉल्ट है। कटनी जंक्शन का स्टेशन कोड है KTE। यहाँ पे गंगा कावेरी एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे मोस्टली सुपर फास्ट ट्रेन को ना यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया जाता है, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि गंगा कावेरी एक्सप्रेस का सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। इस वक्त हम मैहर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। मैहर ना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने माँ शारदा माता टेम्पल के लिए, जो कि ना एक 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। सतना जिसे द सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि सतना जो है ना वो इंडिया के लाइमस्टोन बेल्ट में सिचुएटेड है, और यहाँ पे अकेले भारत के ना ओवरऑल सीमेंट प्रोडक्शन का 8-9% अकेले सतना में ही होता है। ये मध्य प्रदेश का 7वां सबसे आबादी वाला जिला है और 8वां सबसे आबादी वाला शहर है। सतना ना एक काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ शहर है और ना इसकी इकोनॉमी मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बात की जाए सतना को जंक्शन क्यों कहा जाता है, तो यहाँ से ना एक ब्रांच लाइन रीवा की ओर चली जाती है। रीवा जो कि फेमस है, जो कि वर्ल्ड में फेमस है अपने वाइट टाइगर्स के लिए। जो वर्ल्ड का सबसे पहला वाइट टाइगर स्पॉट हुआ था ना वो रीवा के जंगलों में ही स्पॉट हुआ था, और उसके बाद से ना उसी टाइगर से कई और वाइट टाइगर हुए, और उसके बाद आज भी आपको ना किस्मत अगर अच्छी रहेगी तो आज भी आपको रीवा के जंगलों में टाइगर स्पॉटिंग हो जाएगी और उसमें आपको वाइट टाइगर भी दिख जाएगा। सतना जंक्शन में वैसे गंगा कावेरी एक्सप्रेस का एक्चुअल अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 9:40, 5 मिनट का इसका यहाँ पे हॉल्ट है। यहाँ पे हम आए हैं रात को 10:32 में, तो तकरीबन 1 घंटे हमारी ट्रेन डिले ऑलरेडी हो चुकी है। अब जिन ट्रेनों को मिर्ज़ापुर या डीडीओ के साइड जाना होता है ना वो सारी ट्रेनें चियोकी से कट जाती है, लेकिन इसे जाना है भदोही की तरफ, तो यार कोई ऐसे बीच में कनेक्शन नहीं है कि चियोकी से सारी ट्रेनें भदोही वाली लाइन या ज्ञानपुर वाली लाइन पर चल जाए, तो ट्रेन प्रयागराज जाती है, वहाँ पर इसका रिवर्सल होगा, उसके बाद ट्रेन जाएगी भदोही की तरफ। यहाँ मैंने एक चाय ली थी कि हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया, अब अंदर चलते हैं सीधा। वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रात आप सभी को। सुबह के 4 बज रहे हैं, इस वक्त हम आ चुके हैं कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भदोही के भदोही रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी पहुंचने की सुबह 3:56 AM की। यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट है। भदोही की जो कारपेट है ना उसे ना ज्योग्राफिकल इंडक्शन में रखा है। ज्योग्राफिकल इंडक्शन वो होता है ना, जैसे मान लीजिए जो भदोही में कारपेट बनेगी ना अगर वो इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगी ना तब भी उसके ऊपर भदोही का ही लेबल आएगा, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर उसकी सप्लाई होगी ना तो भदोही के नाम से होगी। यहाँ की हैंड नॉटेड कारपेट वीविंग इंडस्ट्री है ना, उससे जो कारपेट बनती है ना वो इतनी फाइन क्वालिटी की होती है ना कि इसका ऑल ओवर वर्ल्ड से डिमांड रहती है, स्पेशली USA जैसे बड़े बड़े देश। तो ही मैंने एक कारपेट यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। ये भारत में इकलौती ऐसे टाइप की इंस्टीट्यूट है जो कि कारपेट के ऊपर आपको रिसर्च करने के बाद डिग्री देगी। भदोही कारपेट फेमस है अपने सॉफ्टनेस के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, यानी काफ़ी लंबा चलती है, और तो और यहाँ की कारपेट्स में ना काफ़ी अलग अलग तरह की आपको वैरायटीज मिल जाएगी। भदोही रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BOY
तकरीबन 42 ट्रेन्स यहाँ पर हॉल्ट लेती है और यहाँ से आपको मतलब काफ़ी मेजर मेजर सिटीज़ के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसी चक्कर में ना काफ़ी सारी ट्रेनों को भी इस रूट से डाइवर्ट किया जाता है। भदोही रेलवे स्टेशन सिचुएटेड है वाराणसी प्रतापगढ़ लखनऊ मेन लाइन पे। तो यहाँ हमारा डिपार्चर हो चुका है भदोही रेलवे स्टेशन से। जंक्शन हवाई ट्रेन तकरीबन 10:30 बजे के करीब पहुंची थी और अभी करंटली सुबह 4 बज रहे हैं। तो यार बीच में पता है मैं अपना फ़ोन चलाते चलाते ही सो गया, तो उस चक्कर में ना यार प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन मिस हो गया। तकरीबन रात को 1:45 पे हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंची थी, पर इसका लोकोमोटिव रिवर्सल भी हुआ था। तो भाई अगर आप में से कोई लोग प्रयागराज से हैं तो भाई मुझे माफ़ कर देना, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी जर्नीस करी, आप वो सब देख सकते हैं। और यार कवर इसलिए नहीं कर पाया, यू नो यार 40 घंटे की इतनी लॉन्ग जर्नी है, तो यार कभी भी शरीर ना धोखा दे जाता है। तो यार अचानक से नींद आ गई यार, तो मैं बहुत बुरा सा तो लग रहा है कि यार स्टॉप हमारा मिस हो गया, वो भी इतना मेजर रेलवे स्टेशन संगम सिटी प्रयागराज था। अपने एक्चुअल टाइमिंग सुबह 5:10 से 20 मिनट बिफोर हम आ चुके हैं बनारस शहर के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जिसे लोकली कैंट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन ना बनारस के चेतगंज और कैंटमेंट एरिया के बीच में सिचुएटेड है। आपको पता है गंगा कावेरी एक्सप्रेस का सबसे ज़्यादा डिबोर्डिंग बोर्डिंग पॉइंट ना ये वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन ही है। इनिशियली ये ट्रेन ना MGR चेन्नई सेंट्रल से वाराणसी जंक्शन के बीच में चला करती थी, लेकिन एज यू नो बनारस की कई सारी ट्रेनों की तरह इसे भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया और कई सारे ट्रेनों में एक्सटेंड होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत ही इसकी हुई थी और इसके बाद से तो भाई लाइन लगी है जो बनारस से ट्रेनों के एक्सटेंड होने की ना। तो यार मुझे समझ नहीं आता यार कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यार इसलिए क्योंकि यार आसपास के जो MPs हैं उनको कुछ काम धंधा तो रहता नहीं है, वो खुद की न्यू ट्रेन तो चलवा नहीं सकते, तो बस वो क्या करते हैं, चलो यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो बस चलो यहाँ के ट्रेन उठा के फेंक देते हैं कहीं और जी। बनारस शहर में ना काफ़ी सारे मेजर रेलवे स्टेशन है, जैसे बनारस रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, सारनाथ, काशी रेलवे स्टेशन। वाराणसी जंक्शन से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर एक है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वो भी एक तरह से समझ लीजिए वाराणसी सिटी को ही सर्व करता है और वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है वो। मैं कहूँ वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से बड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाई जा रही है 22415 वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें मैंने ऑलरेडी एंड टू एंड जर्नी करी है, तो आप इस जगह चैनल पर देख सकते हैं। वाराणसी कहें, बनारस कहें या काशी कहें, क्या फ़र्क पड़ता है, शांति तो यहीं पर है। वाराणसी को ना द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बनारस में ना काफ़ी सारे मंदिर हैं और मतलब ना हर धर्म की पूजा की जाती है। बुद्धिस्ट धर्म की शुरुआत बनारस से हुई थी। बनारस शहर में ना गंगा जी के घाट के अलावा ना काफ़ी सारी चीज़ें और भी है देखने को। यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है, BHU कैंपस है, उसके अलावा कई सारे पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे, और तो और काफ़ी अब मॉडर्न चीज़ें भी हैं यहाँ पे। आपको मतलब पता है हर वो फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जो आपको किसी बड़े बड़े शहर में मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवे है, रिंग रोड है, होटल हैं अच्छे अच्छे, और उसके अलावा अभी काफ़ी और चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है। अभी हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने यहाँ पे न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भी घोषणा करी है और शिलान्यास किया है, जो कि अगले 2-3 साल में बनके तैयार हो जाएगा। बनारस मेरा होम टाउन शहर है, तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारी ट्रेन जर्नीज की है, इंक्लूडिंग दिल्ली की, मुंबई की। तो अगर आप वो सब वीडियोस नहीं देखे ना, जाके चैनल पर देख सकते हैं। और यार मतलब बनारस आता हूँ जब भी किसी पासिंग ट्रेन से ना, और मतलब एक बार इच्छा हो ही जाती है कि क्या बोलते हैं उतर के घर चले जाऊँ, लेकिन क्या करें यार ट्रेन जर्नी है पूरा कंप्लीट तो करना ही। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 25 मिनट है, और यार मैं बस यही सोच बीच में एक बार ख्याल आ गया था मेरे कि यार क्या उतर के चले जाओ, फिर मैं कहा नहीं यार छपरा यहाँ से 4.5 घंटे की दूरी, तो जाके वापस आ जाएंगे दोपहर तक। डॉट ऑन टाइम 5:20 पे हमारा डिपार्चर हो गया है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अभी ना कुछ टाइम पहले ना वाराणसी जंक्शन का रीडेवलपमेंट हो रहा था, तो रीडेवलपमेंट के बाद ना काफ़ी सारी और फैसिलिटीज़ वाराणसी जंक्शन पर ऐड कर दी गई हैं, और इधर आप देख सकते हैं उसके रिमेन्स अभी भी हैं।
6:40 हो रहे हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन में। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन में ना हमारी ट्रेन की अराइवल टाइमिंग थी 6:35। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है GCT। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन ना 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। गाजीपुर में ना 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, एक गाजीपुर सिटी और एक है ओणिहार जंक्शन। गाजीपुर की बात की जाए ना तो ये वाराणसी डिवीजन का पार्ट है। वाराणसी डिवीजन में ना 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी एंड जौनपुर। वो तो पता है, यहाँ से मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री बन गए थे, तो गाजीपुर को ना कुछ ट्रेनें मिल गई और ये प्लेटफॉर्म वगैरह की हालत काफ़ी सुधर गई। वरना पहले तो भाई मतलब एकदम देहात जैसा ये स्टेशन हुआ करता था। और फिर यहाँ से कुछ ट्रेनें भी चलाई गई, जैसे गाजीपुर माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, गाजीपुर सिटी आनंद विहार, सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि एक डेली रनिंग ट्रेन है, कनेक्ट करती है गाजीपुर को देश की राजधानी दिल्ली से। गाजीपुर में ना आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपियम जिसे हिंदी में अफीम कहा जाता है, उसकी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लीगल फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में जो अफीम बनता है ना उसका यूज मेडिकल पर्पस के लिए उस अफीम का यूज होता है। गाजीपुर सिटी से अपना डिपार्चर हो चुका है। नेक्स्ट हॉल्ट हमारा होने वाला है बलिया रेलवे स्टेशन। तो सुबह सुबह का वक्त है यार, चाय तो मैंडेटरी है। सच्ची जब से मैंने कंप्लेंट करा है ना फूड वगैरह में और चाय वगैरह की हर चीज़ में टेस्ट में काफ़ी सुधार आ गया। तो देखिए अगर इतनी लॉन्ग जर्नी हो ना, आपको कुछ भी दिक्कत हो तुरंत कंप्लेंट कर दिया करिए। बलिया एक्सप्रेस जो कि बलिया से सियालदा के बीच में ऑपरेट होती है। बलिया रेलवे स्टेशन ना हमारे इस गंगा कावेरी एक्सप्रेस की जर्नी का पेनल्टीमेट हॉल्ट होने वाला है। इसके बाद ट्रेन सीधा जाके अपने फाइनल हॉल्ट छपरा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। यहाँ देखिए सामने सियालदा बलिया एक्सप्रेस में ICF दुरंतो एक्सप्रेस का डिलीवरी का फर्स्ट AC कोच। बलिया रेलवे स्टेशन ना बलिया डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। जब पहले पता है बलिया रेलवे स्टेशन से ज़्यादा ट्रेन ही नहीं हुआ करती थी ना, तब ना यहाँ के लोग ना बक्सर जाया करते थे जो कि तकरीबन यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे सिचुएटेड है ना, तो वहाँ से कनेक्टिविटी हमेशा ऑल ओवर इंडिया के लिए अच्छी थी। तो यहाँ से लोग जाते थे बक्सर, वहाँ से ट्रेनें बोर्ड करते थे। खैर अब तो बलिया से भी काफ़ी सारी कनेक्टिविटी हो गई है, इंक्लूडिंग कुछ ट्रेनें यहाँ पे एक्सटेंड होकर भी आई हैं, कुछ ट्रेनें न्यू भी चली हैं। न्यू दिल्ली बनारस सुपरफास्ट जो नहीं चलती थी उसको अभी हफ्ते में 2 दिन तक बलिया तक एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ December 2023 में वाराणसी जंक्शन से चलकर मुंबई की ओर जाने वाली कमायनी एक्सटेंशन बलिया तक कर दिया गया है। और तो और कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलती है, जैसे भी देखिए मेरे पीछे है बलिया दादर मुंबई स्पेशल। पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 फिल हो चुका है उतरने वाले यात्रियों से। छपरा जंक्शन पे ना गंगा कावेरी एक्सप्रेस की पहुंचने की टाइमिंग है 9:35 और अभी तकरीबन 8:50 हो रहे हैं। तकरीबन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट बिफोर हम अपने फाइनल हॉल्ट छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। बिफोर टाइम 44 मिनट हम आ चुके हैं अपने फाइनल हॉल्ट छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। मंडे को हमने MGR चेन्नई सेंट्रल से इस सफर को शुरू किया था 5:40 पे और वेडनेसडे 8:55 पे हम पहुंच चुके हैं बिहार के छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि
सरन डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है और ये रेलवे स्टेशन वाराणसी डिवीजन में आता है। गंगा कावेरी एक्सप्रेस का जर्नी एक्सपीरियंस मैंने आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश की इन तीनों पार्ट में। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट आप सभी को पसंद आए होंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ कमेंट करके इन तीनों पार्ट में आपको कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर जर्नी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ तो देखिए पेंट्री कार ट्रेन में अवेलेबल है, क्लीननेस ट्रेन की अच्छी है, पंक्चुअलिटी तो इसकी सुपर्ब है, प्रायोरिटी इसको अच्छी मिलती है, हॉल्स इसके कम है, और हाँ एक चीज़ इसकी इंप्रूव हो सकती है वो है इसका फूड। पेंट्री कार वालों ने मतलब पता है क्या बताया था मेरे को पहले दिन कि सर जो पहले दिन का खाना आता है वो बेस किचन से आता है इसलिए वैसा था, जो हमने अंदर बनाया था वो तो आपने देखा ही था अच्छा था। मैंने कहा चलो ठीक है तो आप अपने बेस किचन वाले को कंप्लेंट कीजिए ना, तो अगर फूड थोड़ा इंप्रूव कर दे तो हर मामले में बेस्ट है। और भाई मेरे हिसाब से ना कोई स्लॉट वगैरह देख ताकि ना इसको डेली कर देना चाहिए, क्योंकि यार इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थर्ड एसी सेकंड एसी फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो करिए, स्लीपर में मजबूरी हो तभी करिए वरना स्लीपर और जनरल तो इसका ओवरक्राउड हो जाता है कि चाहे आप किसी भी टाइम बुक करें। छपरा आया हूँ, छपरा से एक और इंपॉर्टेंट ट्रेन चलती है, गैस आप कर चुके होंगे। जी हाँ अगला मेरा टारगेट होने वाला है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, इसलिए मैं छपरा आया हूँ, तो अब मैं उसी को कल आके बोर्ड करूँगा यहाँ से। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद आप सभी को।